नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन में। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए समझते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, इसके अंतर्गत सब कुछ बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट आई थी शिक्षा का अधिकार 2009 में, ये क्या कौन कौन देश में क्या क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है सब बताएंगे, ध्यान से देखिए। 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में 86वें संविधान संशोधन में, कितना संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 21 ए किसके अंतर्गत आता है तो आप ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ए आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कितनी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकार जो है उसमें बताया गया अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब ये कब भारत में पूर्णतः सभी राज्यों में लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 2010 को सभी राज्यों में ये लागू हो गया। अब देखिए, किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, इस अधिकार का एक इस अधिकार में ये लिखा हुआ है, किसी भी छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित नहीं रखा जाएगा। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर तक एक किसी प्राथमिक विद्यालय जो होगा वो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक प्राइमरी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होगा, और 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। ये इस अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बताया गया था। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो 3 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा और 5 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में इससे। शिक्षा का अधिकार प्राइमरी, अब देखिए प्राइमरी में एक अध्यापक पर 30 बच्चे जब होंगे तो एक अध्यापक होना अनिवार्य है। वहीं जूनियर में एक अध्यापक पर 35 बच्चे जहां होंगे वहां एक अध्यापक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है एक अध्यापक होना अनिवार्य है जूनियर के लिए, एक अध्यापक 30 बच्चों पर प्राइमरी के लिए होना अनिवार्य है शिक्षा देने के लिए। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक और बना ये अधिकार देता है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य 1 सप्ताह में 45 घंटा करना अनिवार्य है। कितने घंटे, 1 सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करना होगा एक शिक्षक को, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताता है। शिक्षा पर खर्च जो होगा, क्योंकि ये शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में आती है, संवर्ती सूची में आती है शिक्षा, तो क्या बताया गया अच्छा एक चीज याद रखिए, जो संवर्ती सूची है, जो सूचियां हैं, शक्तियों का बंटवारा है वो अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा का जो खर्च है शिक्षा पर 65% केंद्र सरकार वहन करेगी और 35% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। उम्मीद करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।